क्या भगवान शिव ने स्वयं कर्ण को भी पशुपतास्त्र दिया था? क्या महाभारत में अर्जुन के अलावा कर्ण के पास भी पशुपतास्त्र था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत का जिक्र आता है, सूर्य पुत्र कर्ण का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। भले उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अधर्म का साथ दिया, लेकिन भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर और महायोद्धा मानते थे। कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे, जिन्होंने स्वयं भगवान परशुराम जी से धनुर्विद्या और बहुत सारे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन एक सवाल जो आज भी उठता है, क्या महादेव ने अर्जुन के अलावा कर्ण को भी पशुपतास्त्र दिया था? बहुत से बुद्धिजीवी आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कर्ण के पास भी पशुपतास्त्र था, लेकिन उसके पीछे का असली सच आपको कोई नहीं बताएगा। दरअसल पशुपतास्त्र प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए भगवान शिव की कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। उन्हें प्रसन्न करना अति आवश्यक होता था और अर्जुन ने यही किया था। और सीधे तौर पर भगवान शिव से केवल अर्जुन को ही पशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था। हर अस्त्र को अपनी विशेष मंत्र सिद्धि से उत्पन्न किया जाता था, लेकिन पशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। अर्जुन को संपूर्ण मंत्र और पशुपतास्त्र चलाने का ज्ञान स्वयं भगवान शिव से मिला था। लेकिन अब बात करते हैं कि कर्ण के पास भी क्या पशुपतास्त्र था? तो बहुत से किंवदंतियां और लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कर्ण के पास भी पशुपतास्त्र था। उन्हें यह स्वयं परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। लोग ये भी कहेंगे कि अस्त्र भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को स्वयं परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत है। महाभारत में संपूर्ण एक ही योद्धा ऐसा था जिसके पास पशुपतास्त्र था, और वो थे अर्जुन, जिन्हें स्वयं महादेव से ये अस्त्र प्राप्त हुआ था। अब वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व में जब महादेव ने अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र दिया था, तब उन्होंने ये भी कहा था, हे परमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम इसके धारण, प्रयोग और अपसंहार में समर्थक हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देव भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेगा। तो भगवान शिव के इस कथन से यह साफ जाहिर होता है कि ये किसी भी देवता के पास मौजूद नहीं था। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये परशुराम जी के पास नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। तो हो सकता है कि परशुराम जी के पास भी पशुपतास्त्र हो, लेकिन कहीं पे भी महाभारत में इसका वर्णन नहीं मिलता है कि कर्ण के पास पशुपतास्त्र था या फिर स्वयं परशुराम जी ने कर्ण को पशुपतास्त्र दिया था। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और उस कुंती पुत्र अर्जुन के भी गुणगान अवश्य लिखिएगा, जिन्होंने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर उनसे पशुपतास्त्र धारण किया था। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।